मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है 20 फ्लावर मेहंदी डिज़ाइन। हाँ जी, 20 फ्लावर मेहंदी डिज़ाइन जो की होगी बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव। सिंपल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही सिंपल कि भैया बिल्कुल कोई काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपको नॉर्मल से लेके वेडिंग डिज़ाइन तक में आपको काम आने वाली है, और नॉर्मल और वेडिंग डिज़ाइन तो हर कोई लगाता है, तो ये देखना है अपन को एंड तक। ये डिज़ाइन खास कर है बिगनर्स के लिए, तो वो इसे बहुत ध्यान से देखें। ये मैं सारे डिज़ाइंस बनाने वाली हूँ सर्कल पे, और सर्कल की प्रैक्टिस मैंने पहले वाली वीडियो में करवाई है। वो वीडियो आपको या तो एंड में मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अभी तक नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना। फर्स्ट फ्लावर मैंने कैसे बनाया है ये आपने देख लिया होगा। डॉट की प्रैक्टिस, राउंड की प्रैक्टिस, कंगूरे की प्रैक्टिस मैंने तीनों ही आपको करवा रखी है। अगर आप नए हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो चेक कर लें, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको कैसे ये बनाना है, तो वो तो इजीली बन जाएगा। सेकंड में भी अपन को राउंड और कंगूरे बनाने हैं। मोस्टली अपन इस वाले वीडियो में सारे फ्लावर डिज़ाइन में अपन ऐसा बनाने वाले हैं, तो इसकी प्रैक्टिस तो आपकी परफेक्ट हो चुकी होगी अभी तक, ठीक है। अब आएगी यहाँ पे लीफ की डिज़ाइन, मतलब पत्तियों की डिज़ाइन, जो डार्क वाली पत्तियों की डिज़ाइन है। ये मैंने आपको सिखाई है आपको ये कैसे बनानी है, तो ये भी आपसे इजीली बन जाएगी अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है। तो ये वाला फ्लावर भी हो गया बहुत ही सिंपल और इजी। अब अपन बनाने वाले थर्ड फ्लावर की डिज़ाइन। अब आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, टॉप सीक्रेट। अगर आपको पीछे नहीं जाना हो ना वीडियो में, तो आप इस वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हो। इसका राउंड में कैसे बना रही हूँ, कंगूरे में कैसे बना रही हूँ, आपने अगर पहली बार ही देखा है तो ये चीज़ ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो आप जल्दी से वो भी ट्रिक यूज़ कर लो और फटाफट ये चीज़ सीख जाओ, ताकि ये वाला पार्ट आपसे हो जाए बहुत ही जल्दी कम्प्लीट। तो ये मैं कैसे बना रही हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैंने डॉट लिया है और उसको कंगूरे की साइड खींच लिया है। ये वाला थर्ड फ्लावर बनेगा, पहले राउंड कंगूरे की डिज़ाइन, एक डॉट कंगूरे से थोड़ा सा दूर और उसको कंगूरे की साइड खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड फ्लावर कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ फ्लावर पे। तो इसमें अपन ले रहे हैं राउंड सर्कल, जैसे अपन धीरे धीरे बनाते हैं वैसे, और उसके बाद आएगा कंगूरे की डिज़ाइन जो कि मैंने आगे भी सब में ली है। अच्छा, ये सब बनाते वक्त आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी कंगूरे की डिज़ाइन एक जैसी आए, राउंड एकदम मतलब छोटे छोटे से कंगूरे के डिज़ाइन आए। अगर बड़े बनाते हो तो फिर कंप्लीट एक जैसे बड़े आने चाहिए। अब मैं जो बना रही हूँ वो पत्तियों की डिज़ाइन है जो कि हार्ड वाली है, हार्ड शेप की पत्तियों की डिज़ाइन है। अपन को पहले उसको लाइट बनाना है, उसके बाद उसको डार्क करना है। पहले से डार्क करेंगे तो अपना नीचे जो अंदर की तरफ लाइट वाला शेप आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। जैसा मेरा दिख रहा है वैसा फिर वो आपका नहीं दिख पाएगा, इसलिए पहले लाइट और उसके बाद ऊपर की तरफ वाली लाइनें सभी डार्क करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पहले से डार्क मत बनाना। अब आते हैं फिफ्थ फ्लावर की डिज़ाइन पे। इसमें भी अपन बनाएंगे सर्कल और अपन बनाएंगे कंगूरे के डिज़ाइन, और इसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सर्कल और कंगूरे के डिज़ाइन की, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। अब जो ये पत्तियों की डिज़ाइन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले जो अपन ऊपर की तरफ लेते हैं हार्ट शेप जो अपन प्रॉपर बना रहे हैं, वैसा ना बना के अपन जो केरी वाला शेप बोलते हैं ना, वैसे छोटी छोटी सी केरी वाले शेप बनाने हैं, ताकि वो थोड़ा डिफरेंट दिखे और अच्छा दिखे। ये लुक वाइज भी बहुत सुंदर लगता है और यूनिक लगता है थोड़ा सा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो हल्का सा हार्ट शेप दे के ऊपर से एक एक तरफ के कॉर्नर्स निकाल देना, तो वो भी वैसा ही दिखेगा जैसा मैंने ये फिफ्थ वाला फ्लावर बनाया है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अपन आ जाते हैं सिक्स्थ वाले फ्लावर पे। इसमें भी बनाना है अपन को सर्कल, कंगूरे की डिज़ाइन। कंगूरे की डिज़ाइन आप पार्टीशन में भी बना सकते हैं, जैसे मैं इसमें बना रही हूँ। आपको नहीं होता है प्रॉपर एक साथ तो पार्टीशन करके बनाएं, बहुत इजीली बन जाएंगे। अब अपन इसको डार्क कर रहे हैं, जैसे पत्तियों का शेप देते हैं ना वैसे अपन इसको थोड़ा सा डार्क डार्क करके बना रहे हैं। इसकी बस आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से बन जाएगा। देख लेना एंड में एक जैसे नहीं लगे तो एक जैसे उसको कर लेना अपने हिसाब से, जैसे मैंने एंड में किया है। अब अपन आ जाते हैं सेवन्थ वाले फ्लावर पर। सिक्स वाला बहुत ईजी है, रेगुलर में काम में आता है। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी ईजीली आपके हाथ में जम भी जाएगा। फिर से अपन आ जाते हैं राउंड पे और सर्कल पे। सर्कल नहीं, दोनों एक ही होता है, कंगूरे पे राउंड और कंगूरे की डिज़ाइन पे।
सेम वैसा का वैसा अपन को इसमें भी करना है। मतलब जो मैंने सिक्स्थ में आपको बताया था, सिक्स्थ वाले फ्लावर में मैंने आपको बताया था, वो गल्फ पैटर्न था। ये ट्रेडिशनल पैटर्न है, इसमें आप लाइन डाल के अगर डार्क करते तो उसे ट्रेडिशनल पैटर्न कहते, आप डायरेक्ट बनाते हैं तो वो गल्फ पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो सेवन्थ वाले फ्लावर में अपन ऐसे बना रहे हैं। सिक्स्थ वाले फ्लावर को आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी ऊपर वाली लाइन है और ये हो गया सेवन्थ वाला फ्लावर कंप्लीट। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई अभी सिक्स्थ और सेवन्थ वाले फ्लावर की, ये चीज़ बिगनर्स खास कर ध्यान रखें तो आपसे जल्दी ये चीज़ बन जाएगी। अब आते हैं एट्थ वाले फ्लावर पे, सर्कल कंगुरी के डिज़ाइन। इसमें अपन राउंड वाली पत्तियों के डिज़ाइन रख रहे हैं, जो मोस्टली आपने स्टार्टिंग, अगर आपने मेहंदी की क्लास ली है तो आपको ये वाले फ्लावर सिखाए होंगे, तो इसको मेरे को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये राउंड सर्कल में, हाफ राउंड में आपको ये बनाने हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। या आप डार्क डार्क करके बना सकते हैं, पहले आप इसे लाइट बना लें और फिर इसे डार्क करें अगर आप बिगनर्स हैं तो। आप अगर मेहंदी अच्छे से चलाना जानते हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं नाइन्थ वाले फ्लावर पे। इसमें अपन को राउंड बनाना है और पत्तियों की डिज़ाइन बनानी है, जो कि होगी हार्ट शेप की। ये अपन को पहले लाइट बनानी है, उसके बाद डार्क करनी है। मैंने डायरेक्ट डार्क करी है क्योंकि मुझे ये अच्छे से आती है, तो आप ये चीज़ ना करें, मैंने पहले आपको जैसे बताई है वैसे ट्राई करें। इसे आप बंच में भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये जो मैं छोटे छोटे फ्लावर आपको बता रही हूँ, ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस एक बार करना, आपके हाथ में जम जाएंगे सारे फ्लावर्स। ये जो मैंने टेंथ वाला फ्लावर बनाया है, इसमें मैंने वही केरी वाला शेप दिया है जो कि मैंने ऊपर फिफ्थ वाले फ्लावर में। यस, अच्छा जी, इतने ध्यान से समझ रहे हो, वाओ, गुड गुड गुड। अच्छा, तो टेंथ वाले फ्लावर के लिए मेरे को टिप्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप फिफ्थ वाली टिप्स आपको याद होगी। तो वैसा का वैसा अपन को टेंथ में करना है। कंगूरी की डिज़ाइन नहीं बनानी है, डायरेक्ट केरी वाले शेप की पत्तियाँ लेनी है। इसमें अपन ने आए इलेवेंथ वाले फ्लावर पे, जो अपन ने सिक्स वाले फ्लावर में किया था वैसे पहले अपन को राउंड लेना है, कंगूरे छोड़ना है और डायरेक्ट उसको फिल करना है। सेकेंड, उसकी एक और लेयर लेनी है और उसके बाद उसे भी धीरे धीरे डार्क फिल करना है। ठीक है, ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। पहले ऐसे नहीं बने तो आप उसे पहले ड्रॉ कर ले और उसके बाद उसे फिल करें, आराम से बन जाएगा। आप ट्रेडिशनल पैटर्न ट्राई कर सकते हैं, मैं गल्फ पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अपन आ जाते हैं ट्वेल्थ वाले फ्लावर पे। इसमें भी अपन को सर्कल बनाना है और उसके बाद ऊपर से डार्क करना है। मुझे पता है आपको ये नहीं पसंद है, पर वाकई अभी ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगी। आप पहले नॉर्मल लाइन ट्रेस कर ले और उसके बाद उसे फिल करें, कोई इशू नहीं है, पर लगना सुंदर चाहिए बस। मतलब सिर्फ सुंदर लगने से होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ पत्तियों के शेप दे रही हूँ मैं, जैसे अपन पत्तियों का शेप देते हैं नॉर्मली, वैसा शेप दिया है और उसके बाद उसे फिल कर दिया है, मतलब नेगेटिव फिलअप कर दिया उसके अंदर। तो ये चीज़ तो आपको आती होगी नेगेटिव फिल करना, अगर नहीं आती है तो स्पीड स्लो करूँगा, आपको ईजिली दिख जाएगा मैंने कैसे फिल किया है। अब उसे और अच्छा दिखाने के लिए ऊपर की लाइनें में डार्क कर रही हूँ नॉर्मली, आराम से अपन उस लाइन को डार्क कर देंगे, नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे, नहीं तो वो बहुत गंदा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो उसे ऊपर ऊपर डार्क करना है। अब आ जाते हैं 13 फ्लावर पे। राउंड लेना है, ऊपर की तरफ डॉट लगाना है और उसे राउंड की तरफ खींचना है। सिंपल, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऐसा रहे तो एक हल्का सा सर्कल का हल्का हल्का शेप दे देना और सिर्फ उस लाइन के अंदर तक, वहाँ जहाँ लाइन बना रहे हो वहाँ डॉट रखना और उसको अंदर के राउंड की तरफ खींच लेना। आपको ये चीज़ समझ आ गई, अंदर एक राउंड बनाना है, साइड में हल्का हल्का ड्रॉ करना है जहाँ अपन को डॉट रखना है और उसको उस राउंड की तरफ खींचना है ताकि इक्वल बन जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं 14 फ्लावर पे। इसमें अपन को राउंड लेना है, हार्ट शेप की पत्तियाँ बनानी है और एक और ऊपर हार्ट शेप की पत्तियाँ बना देनी है। ठीक है, जो सेकंड वाली पत्तियों की डिज़ाइन बनाएंगे उसको अपन को डार्क कर देना है। ये सिंपल सिंपल से है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इसे आप अगर आराम से देखोगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएंगे। अब आ जाते हैं 15 फ्लावर पे। अब वापस से बनाएंगे राउंड पे और कंगरे के डिज़ाइन पे। बहुत देर हो गई यार, कंगरे नहीं बनाया, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बना देती हूँ वापस से। अब अपन आएंगे यहाँ पे, पत्तियों का शेप अपन को प्रॉपर देना है जैसा मैंने दिया है, ऐसा प्रॉपर शेप देके
उसे फिनिशिंग से बनाना है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर सेम शेप की थोड़ी सी डार्क वैसी छोटी छोटी पत्तियों की डिज़ाइन बनानी है, सेम बनेगी पर डार्क बनेगी, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ से अपन डार्क करेंगे और वो बहुत ही फिनिशिंग से डार्क होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लाइन डार्क करेंगे। अंदर अगर आप ज़्यादा डार्क कर दोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अब अपन बनाने वाले हैं 16th फ्लावर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर है। इसमें मैं हाफ हाफ सर्कल वाले डिज़ाइन वाले पत्तियों के शेप लेती हूँ और उसके ऊपर एक और शेप की पत्तियों के डिज़ाइन लेती हूँ, सेम सर्कल हाफ सर्कल वाली पत्तियों की डिज़ाइन लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे ऊपर से डार्क करती हूँ। इसे आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप छोटा बनाना चाहते हो तो इसमें आप 2 लाइन भी ले सकते हैं और बड़ा बनाना चाहते हो तो 5 लाइन तक भी ले सकते हैं। ऊपर की आखिरी लाइन अपन डार्क कर देंगे, सिंपल। और ये बहुत ही सुंदर लगता है मेरे को बनने के बाद, आ हा हा हा। अब अपन आ जाते हैं 17th फ्लावर पे। इसमें अपन बनाएंगे राउंड और बनाएंगे डार्क वाली डिज़ाइन। आप इसे फ्री हैंड फ्लावर डिज़ाइन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, आप बस इसे अपने अपने हिसाब से उसके पैटर्न के हिसाब से डार्क करना होता है। और वो डार्क आपको इस तरह से करना होता है कि वो पत्तियाँ, कोई भी एक भी पत्तियाँ एक दूसरे में मिक्स ना हो, ठीक है। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसे वैसे भी बना सकते हैं। आप अगर बिगनर से आपसे ऐसा नहीं बनता है तो आप ट्रेडिशनल वे भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वे आप इजीली बना लेंगे और काफ़ी जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार ट्रेडिशनल वे के लिए बोल रही हूँ। लास्ट में आपको जिगजैग वाली लाइन देनी है बिकॉज अगर इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन लेते हो तो वो इसमें मिक्स ना हो, ठीक है। इसलिए आपको एंड में ये वाला डिज़ाइन लेना पड़ता है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसमें अपन को सर्कल जैसा सर्कल लेना है पर थोड़ा सा यूनिक, ताकि उसका एंड पॉइंट निकालना है और वहाँ पे पत्ती वाले शेप में एक शेप देना है जैसा मैंने दिया है। धीरे धीरे उसको डार्क करते जाना है, सेम ऊपर की तरफ डार्क करना है और उसके बाद साइड में अपन को पत्तियों के शेप वाली डिज़ाइन लेनी है जैसे अपन पहले ले रहे थे। इसके बाद अपन इसमें शेडिंग कर देंगे, सारी पत्तियों में लाइट शेडिंग कर देंगे। शेडिंग करने के बाद आखिरी में अपन ऊपर से उसे डार्क कर देंगे जैसा अपन ने अभी तक करा है। अब अपन आ जाते हैं 19th फ्लावर पे। इसमें अपन सर्कल बनाएंगे। वैसे ये फ्लावर आप जितने ध्यान से देखोगे उतने ही अच्छे से आप इसे समझ पाओगे। अपन को सिर्फ इसमें डार्क डार्क लाइन चलानी है पर एंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अपन को थोड़ा सा पतला रखना है बाकी के हिसाब से। मतलब बीच में जो अपन डार्क कर रहे हैं उसके हिसाब से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट अपन को पतला रखना है और इसे अपने अपने हिसाब से, मतलब उस राउंड के हिसाब से अपन को उसको घुमाते जाना है। सेम ऐसा ही अपन को करना है, 2 या 3 बार आप इसे इजीली कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड में जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको इसको एंड करना है, आपको एंड में पत्ती वाले शेप से उसे एंड करना है। लास्ट में उसे लाइनों से कवर कर ले ताकि उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाए तो उसमें मिक्स ना हो। अब अपन बनाएंगे लास्ट वाला फ्लावर जिसमें अपन बनाएंगे सर्कल और उसके बाद अपन ऊपर से अपन दे रहे शेडिंग। उसके ऊपर अपन शेडिंग दे रहे हैं, ये कंगूरी के डिज़ाइन या बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, शेडिंग है, ओनली शेडिंग। इसके ऊपर अपन पत्तियों की शेप के डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही आराम से सारी शेप अगर एक जैसे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि सारे शेप एक जैसे आए। सारे शेप आने के बाद बीच में से अपन को एक 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 लाइन है उसमें अपन को देनी है ताकि उसका शेप थोड़ा और अच्छा लग पाए। एंड में आपको ऊपर से लाइन को कवर करना है, नीचे तक नहीं लेके जाना है जैसा मैंने आपको अभी तक बताया। फाइनली अपने हो गए हैं सारे फ्लावर्स कंप्लीट। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में 2 फ्लावर के नंबर आपको मैसेज करने हैं, जो कि एक आपको बहुत अच्छा लगा वो वाला नंबर और एक जो आपसे बहुत जल्दी बन गया वो वाला नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए।